ये खबर हैरान करने वाली है कि मध्य प्रदेश में लड़कियों की खरीद फरोख्त का काम चल रहा है। एक 13 वर्षीय नाबालिग की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। लड़की को उसके पिता ने ही 50,000 रुपये में एक शख्स को बेच दिया। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने इस लड़की को छुड़वाया। पीड़िता ने वीडियो बनाकर इस मामले की शिकायत की थी, उसके बाद उसे छुड़वाया गया। देवास जिले के सोनकच्छ के इस मामले ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। देवास जिले के सोनकच्छ में एक नाबालिग को उसके पिता ने 50,000 रुपये में बेच दिया। वहीं जिस व्यक्ति ने इस लड़की को खरीदा उसका कहना था हम नाबालिग की सगाई कर उसे लाए हैं। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए नाबालिग को छुड़वाया। नाबालिग ने टीम को बताया कि उसके पिता ने चंद रुपये के लिए उसे बेच दिया है। वहीं जो व्यक्ति उसे खरीद कर लाया है वो नाबालिग के साथ मारपीट कर मजदूरी करवा रहा है। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रवीण जैन ने बताया कि हमें एक नाबालिग 13 वर्षीय लड़की ने सोशल मीडिया पर शिकायती वीडियो बनाकर भेजा था, जिसमें नाबालिग ने बताया कि उसको उसके पिता ने गांव के व्यक्ति को मात्र 50,000 रुपये में बेच दिया है। मुझे यहाँ नहीं रहना है, ये परिवार मेरे साथ मारपीट करता है, मुझसे मजदूरी करवा रहे हैं, मुझे खाने को भी नहीं देते हैं। इसी आधार पर पीलिया खाद ईट भट्टे से नाबालिग को बरामद किया गया। उसे खरीदने वाला व्यक्ति सोहनलाल, उसकी पत्नी और उसके नाबालिग बेटा भी है, जिनके खिलाफ कार्रवाई हेतु सोनकच्छ पुलिस को आवेदन दिया गया है। 13 वर्ष की बालिका है, अलका नाम है इसका, और इसकी इसने एक छोटा सा वीडियो बना के हमको भेजा था कि ये मैं यहाँ पर मेरे को मेरे माँ बाप ने 50,000 रुपये में बेच दिया है, और जहाँ मैं रह रही हूँ वो लोग उनको खाना पीना नहीं दे रहे हैं, जबरन मुझसे मजदूरी करा रहे हैं, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। तो हमको कल ये सूचना मिली थी, तो आज हम पुलिस वालों के साथ में हमारे महिला बालिका की टीम के साथ यहाँ आए, तो वाकई में भी पाया गया कि छोटी सी बालिका है, 13 वर्ष की ये बालिका है, और वाकई में भी बहुत इससे मतलब ईंट का काम, ईंट बनाने का काम ही कर रही थी, और उसने अभी भी यही बताया कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, और मैं मेरे को यहाँ पर जबरन खाना भी नहीं दे रहे, मारपीट भी करते हैं रोज़ मेरे साथ में, और मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो जिसको जो ये बोल रहे हैं कि हमने सगाई करी है, जो दूसरे लोग हैं जिनने इसको ख़रीदा है उसको, तो इनको भी हम साथ में लेके जा रहे हैं, आगामी पुलिस की कार्रवाई करेंगे इसमें, और जो बालिका इसको CWC में पेश करेंगे, वहाँ से इसको उज्जैन बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।